दोस्तों भी जनाब ना वहाँ से गुड़ का सामान खरीद लिया था, तो ये ना इधर भाई जाफर होते हैं ना भाई जुल्कन के साथ उधर जर्मनी में, उनका माशाल्लाह से ये सेटअप है, तो विजिट करने के लिए हम आए हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हम भी वो आपको पता है कि नया फार्म बना रहे हैं उस सिलसिले में हाजिर हुए हैं। तो ये भाई जवेद साहब हैं, हमें गाइड करेंगे इंशाल्लाह, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करते हैं। जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सूरत है इनके, बाकी की थोड़ा सा जो है ना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं किस तरह का कोई, क्योंकि शेड बन रहा है इनके, कुछ सेटिंग देखते हैं, पैमाइश कितनी कितनी रखी हुई है ना, क्यूबिकल की कितनी है, ओपन एरिया कितना है, ये जो सामने दो स्ट्रीट है चारा खाने वाली वो कितनी बड़ी है, और पंखे कितने चाहिए, क्या निज़ाम है, ये सारा इंशाल्लाह ना वो भी देख लेते हैं। तो ये जनाब माशाल्लाह से भाई फलक शेर भी अंदर एंट्री कर गई है, सामान सामून भी पसंद करते हैं सारा, भाई मिल के मशवरा करके ना कोई अच्छा सा जो डिज़ाइन है, कोई रोशनी सी आ रही है। बाकी देखे माशाल्लाह, ये देखे फर्स्ट नंबर पर जो पड़ा हुआ तिल्ला फुल लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। उसके बाद ये सामने ब्लैक आ गया, ब्लैक के साथ ये देखे फ्रोजी कलर है, ये भी माशाल्लाह बड़ा फैंसी कलर है, अच्छा है। उसके बाद ये भी देखे काला ब्लैक, और ये और वो वाला ब्लैक तकरीबन एक से, सारे भाई मिलके पसंद कर रहे हैं, अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जनाब प्यारे दोस्तों का, उम्मीद है आप सारे खैर और खैरियत के साथ होंगे, और माह रमज़ान आपका माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। अल्लाह पाक आपको सारे के सारे रोज़े नमाज तरावी और दूसरी भी सारी नमाजें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाएँ, आपस में डेरो उल्फत और दीन इस्लाम की सच्ची मोहब्बतें अता फरमाएँ। करते हैं कब लोग शुरू आए माशाल्लाह से जनाब, ये देखे पीछे तैयार हुए खड़े हैं जनाब भाई फलक शेर, भाई मोहम्मद कारी अफजल और भाई मोहम्मद जुल्कनैन, और सिरे नाल आप जनाब तैयारियाँ कर रहे हैं जनाब। आ काका वेख मछलियाँ लैके आ रहा, काका वो तुहाडा पुलाव रे, तुहाडा पुलाव रे, काके के पास जी देखे बड़ी सी फिश है, ये मलेशिया से लेके आया था मैं, जब मलेशिया में रहा था ना, काफ़ी पुरानी फिश है। ओए काका इधर दिखाओ मछली, मछली दिखाओ, मछली मछली मछली, काके की मछली बड़ी खूबसूरत है। तो आज ना आप जा रहे हैं हम घोड़े के लिए स्पॉट खरीदने, इस सिलसिले में तैयारियाँ शरीफ साहब ने कर ली है, असर साहब और ये इधर वेट कर रहे हैं, बस दे दो काका दे दो, दे दो दे दो, भाऊ को दे दो, भाऊ को दे दो, काके को बोला कि फिश दो तो दे दो, काका बिल्कुल भी नहीं दे रहा। और भी हमारा माशाल्लाह से बाहर लान की जीनत बना हुआ, कल सारी लान की ना कटाई एक बार मशीन बुलाई थी, वो दूसरी जो होती है वो धागा भी ला जाता है छोटा जो होता है ना वो गुलाई वाला, सारा लान टोटली माशाल्लाह से साफ हो चुका है। और अभी जनाब ये गाड़ी में बैठे हैं, एंड पे हम बैठ जाते हैं, इन लहर चुक चाक के अंदर उड़ा थड़ा के मोज नाब अभी अंदर जा रहा है, मेरे हाल से ऊपर चढ़ गई है, देखो माशाल्लाह टेल इसकी काफ़ी लंबी होगी, और नाश्ता भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से। अल्लाह पाक जितने भी मुसाफिर सफ़र पे निकले हुए साहब के सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाएं। काका भी जो है ना हमारे साथ जाने के लिए रो रहा है जनाब, और नहीं 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 तो ये जी माशाल्लाह इधर पहुँच गए हैं जहाँ पर का अपना भाई कैसे ने स्टे किया हुआ है ना भाई फ़खर का ये डेरा है माशाल्लाह। ये इनके चार घोड़े हैं माशाल्लाह, चारों बड़े प्यारे, इनका आप शौक करें ये माशाल्लाह। ये जो घोड़ा है ये किंग ऑफ द हॉर्सेस है, ये इनका सुरख घोड़ा है, इसका नाम को पता नहीं। ये बछेरा भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह अभी नया लेके आए, अभी 20 महीने इसकी उम्र है, एक साल वो दूसरा गदरा सा बांधा हुआ है। इधर जनाब आए हुए हैं बैठे हुए हैं, फिर अभी इंशाल्लाह वापसी निकलते हैं। ये गुड़िया भी इन्होंने रखी हुई है इधर, बाकी भी मुर्गियाँ चूचे, और ये ऊपर कबूतर भी आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से। ये तो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, डेरादार इंतजाम बना हुआ है। ओ तुहाडी खैर हो जाए, तुहाडा इधर तो बड़ा कुकड़ शुकड़ है जनाब, देसी कल्चर आप देखते जाए माशाल्लाह। ये देखे बकरियां बैठी हुई हैं लाइन अप होकर, बड़े खूबसूरत अंदाज में, ये देखे माशाल्लाह गैलरी सी आ रही है इसमें से, तो खड़े हैं तो ये नुकरी घोड़ी है इनके पास, ये देखे माशाल्लाह से नुकरी घोड़ी है इनका, शौक करें एक दो और पीछे भी शायद कोई होगी तीन, ये खुरली और बरामदाने के लिए छोड़ा हुआ, सुकून के साथ आए चारा शारा खाएं, खुला मौज मस्ती करें, फार्म टाइप जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी अच्छी माशाल्लाह खूबसूरत घोड़ी है। ये जो बछेरियाँ देखें माशाल्लाह से, कनौतियाँ वगैरह इनकी चेक करें, खुद जनाब स्पेशल वीडियो बनाने के लिए ये देखें माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह ये दोनों आपस में बहने हैं, और ये उनकी मामा भी खड़ी हुई है साथ में जनाब, फुल वाइट है माशाल्लाह, खूबसूरत कनौतियाँ अच्छी हैं इनकी और खूबसूरत है। तो भी इंशाल्लाह आगे का सफ़र शुरू रखते हैं, अल्लाह पाक खैर करे जनाब, स्पॉट का कुछ सीन बनाते हैं। बाकी एक इनके मालदार भी माशाल्लाह इधर सुकून के साथ वाड़े खुले डुल्ले हैं, जिधर मर्जी अपना बैठे खड़ी हो जाएं, कुकड़ियाँ कुकड़ भी असील बाबा शरीर की तरफ देखे माशाल्लाह काफ़ी ऊंचे बड़े हैं, असील कुकड़ भी यार बड़े प्यारे, इन्होंने कमाल रखे हैं माशाल्लाह से ना,
बहुत ही ब्यूटीफुल बड़े बड़े कुकड़, ये देखो सारा टोटली सील चल रहा है इधर ना, ये देखे माशाल्लाह से। ये मुर्गा देखे बहुत ही प्यारा, पीछे फिर मुर्गे ने बच्चे निकाले हैं, बस सिस्टम रखा हुआ है इन्होंने। और ये जनाब कुत्ता भी शिकारी है, सूर के शिकार वाला, शिकार वाला। ये देखे फुल ब्लैक मुर्गी और उसके बच्चे देखे चारों, इधर डर रहे हैं हमसे बहुत। कुत्ता भी देखे फुल शिकार जनाब, शिकार शिकार है बस हर पास शिकार शिकार। इधर भी जनाब भैंस हैं, और ये भी घोड़ी है जो होती है क्या उसको बोलते हैं, ये भी गब्बन है, इसमें से भी ज़्यादा वाइट बच्चे आते हैं माशाल्लाह। चार घोड़ों का मुकम्मल सेट है, सारे आराम सुकून के साथ बैठे। कबूतर भी ना ऊपर देख सुकून के साथ बैठे हैं माशाल्लाह से। कमेंट करके बताएं चार घोड़ों में से आपको जो सबसे प्यारा घोड़ा कौन सा लगा यार माशा। तो दोस्तों अभी जनाब माशाल्लाह कैसर भाई को साथ ले लिया है, अभी मोटरवे पे जनाब तड़ातड़ जा रहे हैं। देखो माशाल्लाह भाई फ्लेक्सियर साहब ड्राइविंग कर रहे हैं माशाल्लाह, एक्सपर्ट ड्राइवर है जनाब। गाड़ी इनके हाथ पर बैठ चुकी है, कोई दूसरा बंदा बैठ जाए तो बस गाड़ी भी कहती है नहीं नहीं असल जड़ा ना ड्राइवर मेरा हुआ है। छट के जनाब चला रहे हैं, औली भी दिल से अगले टायर चौक छड़े कोई पता नहीं मोटरवे चढ़े हैं अल्ले खैर करे। आज इधर जनाब भाजी बैठे नाल, इधर जनाब भाई दुलकर नैर, पीछे जनाब भाई आरस साहब, जनाब अपने उस्ताद रिका सर महमूद जुगेरा किंग ऑफ द आरस एस, जनाब सीनियर एक्सपर्ट जड़ा ना ये घोड़े माशाल्लाह ने घोड़े छोड़े वेखे रहा माशाल्लाह, मजा आया माशाल्लाह जी। अच्छे घोड़े ने जरा नुकरा आंदा ना ठारा वाला भी चंगा, मोटर भी बड़ा प्यारा चले माशाल्लाह। वेखो जी गड़ियाँ जा रही, रब की खुदाई है बस वो शान हो जाने जी, कोई आ रहा कोई जा रहा बस माशाल्लाह। अच्छी ड्राइविंग करते हैं भाई फलक शेर ना, जितो बाली को गड़ी सौड़ी आ जाए ना गड्डी चौक उ कोई रोए ड्राइवर रखी ना मैं ना, कोई बोर्ड बड़ा सौड़ा आवे ना तो मतलब उत गड्डी ठप ठुप के काट लेंगे जनाब नहीं माशाल्लाह ना अच्छी ड्राइविंग करते, लसेंस भी ना को है और मौज मड़ी बनी जा रहे हैं सारे भरा रौन के। आज जनाब असं अपने वर्द वास्ते ना लैन जा रहे हैं अपना स्पाट, दुआ करा कुबाल जनाब पूरे पार ना मुछनता हो दे क्या कर रहे जनाब। ये जी माशाल्लाह पहुंच गए हैं मार्केट जनाब, जहाँ से कोई स्पॉट वगैरह बनवाना है अभी, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह बना बना मिलता भी है, यहाँ के साई देनी पड़ेगी। देखे माशाल्लाह से घोड़े की तस्वीर लगाई हुई है पूरे बना के जनाब। हाँ जी अभी माशाल्लाह दुकान के अंदर इंटर होते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या सीन है क्या मामला है। यहाँ पर पूरी मिल सी लगी हुई है जनाब, स्पॉट पर स्पॉट तैयार कर रही है। देखे माशाल्लाह से वाह तक की हुई है जनाब, ये भी इधर काफ़ी तैयार होकर पड़े हुए हैं, ये देखें ये भी इधर कमाल चीज़ें बनी हुई हैं, ये देखें काफ़ी बड़ी आ ये शॉप है। बाकी इधर देखते हैं क्या सीन है, कंजाले स्पॉट ये वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत जी बहुत, ये देखो सारे माशाल्लाह स्पॉट आगे लगे हुए हैं, अपनी अपनी पसंद का बंदा करके ले जाता है, काफ़ी कलर है इनमें डिज़ाइन है, अपनी मर्जी से जो भी पसंद आया बंदा ले जाता है। देखिए माशाल्लाह से पहले जनाब गड्डी में बैठे हैं मुड़े इतने मिनट नहीं खलोते हैं, थके ना मैं समझ नहीं आती इन्होंने, वो बंदा घुमेंदा तकदा जनाब बाकी सीन। तो ये जनाब माशाल्लाह से भाई फलक शेर भी अंदर एंट्री कर गई है, सामान समून भी पसंद करते हैं सारा, भाई मिल के मशवरा करके ना कोई अच्छा सा जो डिज़ाइन है, कोई रोशनी सी आ रही है। बाकी देखे माशाल्लाह ये देखे फर्स्ट नंबर पर जो पड़ा हुआ तिल्ला फुल लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। उसके बाद ये सामने ब्लैक आ गया, ब्लैक के साथ ये देखे फ्रोजी कलर है, ये भी माशाल्लाह बड़ा फैंसी कलर अच्छा है। उसके बाद ये भी देखे काला ब्लैक, और ये और वो वाला ब्लैक तकरीबन एक से सारे भाई मिल के पसंद कर रहे हैं, अभी देखते हैं कौन सा पसंद आता है, जो अच्छा पसंद आएगा इंशाल्लाह वो ले लेते हैं। कंडियाले वगैरह भी इनके पास पड़े हुए हैं, हर तरह का सामान है, काफ़ी बड़ी दुकान है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह। तलियारे वगैरह को पसंद आता है वो भी ले लेते हैं, ये रखे हुए हैं जनाब, इधर पसंद कर रहे हैं जनाब छोटे भाई मोहम्मद जुल्करनैन साहब, अभी चलो सारे राम मिल के आए को मशवरा करके अच्छा सा सामान जो है ना इंशाल्लाह वो सिलेक्ट अल्लाह करे हो जाए हमसे, जो घोड़े के ऊपर पूरा जचे। बाकी आप भी कमेंट करके बताएं कि घोड़े के ऊपर वाइट घोड़ा है उसके ऊपर कौन सा जो रंग है वो जचेगा, जो वाइट घोड़ा ना उसके ऊपर फरोजी ब्लैक या वो तिले वाला, आपने भी कमेंट करके बताना है, हो सकता है आज मिले ना मिले ऑर्डर पर देना पड़े, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा इंशाल्लाह। इस सामने जो उनके बांधते सीने वगैरह पे वो भी लेके आ रहे हैं, कानों पे होता है जो कुछ सारा भाई जाना चेक करा रहे हैं माशाल्लाह से ना, फुल बटा फुल सामान, काफ़ी अच्छी दुकान है वैसे माशाल्लाह ना।
तो ये भाई अभी दूसरी दुकान पर आ गए हैं, पहले जो है विजिट कर लिया है, अभी इंशाल्लाह दूसरी जो है ना ये देखें काफ़ी सामान है, कंडियाड़ा माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, तो अभी दूसरी दुकान पे आ गए वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ना मार्केट का सीन एक बार देखना चाहिए, कोई रेट का आइडिया हो जाता है बंदे को, तो दिल मुतमिन हो जाता है। तो अभी चेक कर रहे हैं, वो फोन आ गया है सुन लेने जेड़े भी यार वाल सुन जी वहा हाँ। अभी ना काफी समान इन्होंने तो रखा हुआ है नीचे स्लैब ऊपर, फुल लाइन यानी उत्तर सीट प्लेन हो जिथे बना बंदे बाकी तिल्ला हो। वो किन्नी क दूर है वहाँ? ये भी माशाल्लाह फुमन शुमन होते हैं कानों पे लगाने के लिए, इससे भी घोड़े की खूबसूरती बन जाती है मज़ीद ज़्यादा ना। मोर के मरणी है सारे जनाब देख रहे हैं अपना अपना सीन सटा करके है ना, उठ वो कुछ आप पसंद कर लो इतने जनाब स्पेशल साढ़े को लैके दसाने अल्लाह खैर करे इंज गल है कणके अपने चौलें काटा तो नहीं पे है क्या बात हेलो अल्लाह खैर करे। घोड़ों की तस्वीरें भी साथ जनाब लगी हुई बड़ी प्यारी प्यारी माशाल्लाह से। ये जनाब एक और दुकान पे है, तीसरी दुकान है विजिट करते हुए ना, ये भी बस इधर पड़े हुए हैं। दूसरा सामान भी जनाब स्पेशल घोड़ों के ना, ये जो ब्रश बड़े होते हैं वो भी पड़े हुए हैं, ये जो लाटू से बांधते हैं पाँव में वो पड़े हुए हैं, आगे तलियारे वगैरह सारा निज़ाम जनाब इधर भी देखे माशाल्लाह पड़े हुए हैं, सारा सिस्टम ना इधर भी। तो मजीद चेकअप कर रहे हैं, चलो यहाँ से कोई खूबसूरत फैंसी डिज़ाइन मिल जाए ना नज़ारा बन जाएगा माशाल्लाह, इजीली तरीके से पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह सारे भाई ना, देखे क्या बनता है माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह दोस्तों सफर करते कराते इधर पहुंच गए दरिया चिनोट के ऊपर, ये देखे माशाल्लाह से कश्तियां खड़ी हुई हैं, अभी टाइम की कमी है नहीं तो कश्तियों को भी एक बार वाट काट देने थे हमने, सुखा पे दरिया देखो जनाब माशाल्लाह क्या बात जनाब, इधर चेयर लिफ्ट भी है सामने लगी हुई है वो पीली पीली आपको नजर आ रही होंगी, बड़ा निज़ाम है यार इधर, तो बंदा सर्वे करने आया ना तो मजे ही बड़े हैं, कभी वेला टाइम उस पिकनिक मनासा इंशाल्लाह हूं तो रोजे ना फिर तो भाई फलक शेर भी है गड्डी चला चला के आज थक गया हमें लगता है। अच्छा जी वापसी तो टाइम ही नहीं होना, फिर कदम स्पेशल बंदा ना दिहाड़ कटे बारह बार लाहौर हो जाना, हाँ जी बड़ा प्यारा इलाका है, रब बड़ा फसला होंगे ना उठ वेखो जनाब जनार हाँ जी, ये इलाका मरजईयों के जहाँ पे वो आपने सुना हुआ ना वो हॉस्पिटल भी है कोई दिल का स्पेशलिस्ट है, वो ये सीन है उधर से हम गुजर रहे हैं रब वे अड्डे पे, आगे बंदा हमारा वेट कर रहा है, तीन चार कालें आ चुकी हैं भाईजान की, तो हम भी करीब ही पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह, बड़ा प्यारा मौसम है वहाँ, यहाँ पे ऊंची पहाड़ी इलाका तो ठंड जनाब आ रही है, ऐसी की कूलिंग भी बढ़ गई है, पहले जरा तत्ता काम था अभी जनाब वाह कुल्फी का माहौल बन गया है, हो गया तेन इधर ट्रक बड़े यार चलते ने पता नहीं की सीन इधर पत्थर गेड़ा छड़ा बिलकुल, इधर पहाड़ियाँ सजना बड़ी सामने वेखन उचिया उचिया वो गेड़ा छड़ा जो हों बड़ा अल्लाह की शान है वेखो हर चीज अल्लाह ताला की रहमत ना अवेलेबल इधर, चलो अल्लाह पाक खैर खरीद यार। दोस्तों अभी जनाब ना वहाँ से घोड़े का सामान खरीद लिया था, तो ये ना इधर भाई जाफर होते हैं ना भाई जुल्कन के साथ उधर जर्मनी में, उनका माशाल्लाह से ये सेटअप है, तो विजिट करने के लिए हम आए हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हम भी वो आपको पता है कि नया फार्म बना रहे हैं उस सिलसिले में हाजिर हुए हैं, तो ये भाई जवेद साहब हैं हमें गाइड करेंगे इंशाल्लाह, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करते हैं, जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इनके, बाकी के थोड़ा सा जो है ना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं किस तरह का कोई, क्योंकि शेड बन रहा है इनके सेटिंग देखते हैं, पमाइश कितनी कितनी रखी हुई है ना, क्यूबिकल की कितनी है, ओपन एरिया कितना है, ये जो सामने दो स्ट्रीट है चारा खाने वाली वो कितनी बड़ी है, और पंखे कितने चाहिए, क्या निज़ाम है, ये सारा इंशाल्लाह ना वो भी देख लेते हैं। ये माशाल्लाह से छोटी बछड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये भी, ये देखे माशाल्लाह काफ़ी प्यारा वो है, खुली तो में 20 फुट लग रही है, हाँ जी है जी जी पिछली गली 12 फुट है, दो भी 11-11 ने उधली भी इधली भी, तो क्यूबिकल जो किन्ने जी 16 फुट दिन सान कोई बंद 15 रखो कोई 14 रखो की करिए, हाँ जी प्रॉब्लम जगह रखनी पड़ी है
अच्छा मोटर लगी होंगी पीछे फाइन भी लगे हुए अभी दोस्त विजिट करते हैं माशाल्लाह मजीद आपको शो कराते हैं जनाब आज कैसर भाई भी चस ले रहे हैं हमारे साथ है। तो ये दोस्त माशाल्लाह इनका जो है मिल्के वाला सिस्टम है माशाल्लाह 40x60 फुट जो है वो लंबा है और 40 फुट चौड़ा है और यहाँ पर एक टाइम पर 20 गाय आ जाती हैं 10 को ये लगाते हैं मशीन जब 10 अगली जो रेडी होने तक ये तकरीबन चुवाई कम्प्लीट हो जाती है फिर 10 उधर वाली जो होती हैं वो लगा लेते हैं एक टिकट में 2 शो यानी चले हुए हैं बड़ा माशाल्लाह से अच्छा निज़ाम बना हुआ है बाकी दूध सारा अंदर चला जाता है चिल्लर में वहाँ से आके कंपनी उठा लेती हैं ये सैलज वाले बंकर बने हुए हैं इनके सारे बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत और वसी निज़ाम है जनाब तो अभी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ ले रहे हैं कोई नॉलेज इंसान को पहले लेना चाहिए फिर कारोबार करना चाहिए तो ये तो वैसे भी माशाल्लाह अपने भाई हैं उधर भाई जाफर होते हैं और ये भाई गुलकन है तो सारा माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छा रौनक मेला बनाया हुआ है ये देखो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरती भी देखी इसकी और निज़ाम ही माशाल्लाह से भले पड़ा हुआ है माशाल्लाह ये सारा सिस्टम ये बंकर रखे मैंने खुराक के लिए स्टेप बाई स्टेप इसके आगे और छोटे बच्चे भी हैं वो भी आपको विजिट कराते हैं इधर ये माल्टे का छिलका पड़ा हुआ है वो जो आपको नज़र आ रहा है ए मशीन पता नहीं किड़ी यार कट्ठा हाँ हो सकती है बड़ी वह चलो उतो चली जितो आया ना ओदे पर चलने ना वो बच्चे वेखने ना उस राह आया ना जिद दी बस राह हो ना उत चढ़ के तो भी जनाब छोटे बच्चे आपको विजिट कराते हैं और कुछ गाय भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत इनके पास सारी इंपोर्टेड ब्रीड है अनगिनत जो छोटे से गिनती के दाने हैं लोकल वो भी अच्छे हैं 27-28 की एवरेज वो भी दे रहे हैं माशाल्लाह तो भी इंशाल्लाह वहाँ पे आपको दिखाते हैं छोटे बच्चे जो हैं तो ये माशाल्लाह जिस हिसाब से छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह इनका भी बड़ा प्यारा सर उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है आगे देखे खुली है और ब्रीक जो पाउडर है ना काफ स्टार्टर वो इन्होंने डाला हुआ है और ये कलर आप देखें बीच बीच में बहुत प्यारा कलर आ रहा है स्लेटी सा कलर है ये देखें बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह छोटी सी खुल रही है और ये सिस्टम उसके आगे भी बहुत मज़ीद छोटे बच्चे हैं इसके आगे भी माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होती है बस मशीन नहीं है सोती भी जाती हैं दूध भी देती जाती हैं ये सारा माशाल्लाह से देखिए इधर भी माशाल्लाह से काफ़ी माशाल्लाह से सिस्टम अच्छा रखा हुआ है इन्होंने देखे माशाल्लाह से तो अभी दोस्तों माशाल्लाह इफ्तारी कर ली जनाब ये मोहसिन तिक्का शॉप से जनाब बड़ी भी खिदमत की है भाईजान जिनके पास आए हुए हैं अल्लाह पाक उनका खिदमत करना कबूल और मंजूर फरमाएं अभी ये देखिए ना छोटा बाकरा खाया साहब ने जनाब दांत शान साफ कर रहे हैं अच्छी तरह तो इधर जनाब क्या सर जुगेरा साहब पता नहीं क्या चीज़ खरीद रहे हैं ये तो बाकी माशाल्लाह सारे रेडी हो गए निकलने वाले हैं अभी गोश्त जनाब साहब के जनाब दांतों में फंस चुका है अल्लाह पाक खैर रफियत फरमाए तो अभी इंशाल्लाह तकरीबन वापसी की तैयारी है गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है अभी इंशाल्लाह भाई से अल्लाह हाफिज़ करके तो वापसी निकलते हैं सवारा जनाब मैं ना माशाल्लाह रगड़ी है उन्होंने दंदा ना पूरे पहाड़ ना चोखा गोश तेरी फांस गया दंदा जनाब कहा जी बाकर लै दे गए तो इन्हें दुआओं के साथ दोस्तों आपने खुश रहबाद मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में तब तक के लिए दुआ में याद रखना अपना ख्याल रखना ओके अल्लाह हाफिज़।